हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यापीठ ओडिया। आज आम स्टार्ट करवा भौतिक विज्ञान क्लास नंबर 1। क्लास टी स्टार्ट करवा आगर मो वीडियो को लाइक करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि भल लागू भिडटी ताल आप सांग मान भितर सेयार भी करंतु। तो आज आम भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर हूँ रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो फास्ट पढ़ा आगे आम जाना रासायनिक प्रतिक्रिया कौन, रासायनिक समीकरण कौन। आम पूर्व क्लास पढ़ी पढ़ी आसचु रासायनिक प्रतिक्रिया माने कौन, रासायनिक परिवर्तन। आम पूर्व क्लास पढ़ीचु रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन? भौतिक परिवर्तन ने जदि गोटे पदार्थर भौतिक परिवर्तन होउची तबे सेटा ता पूर्व स्टेज को फेरी पारिबो। जेमिति कि बरफ, बरफ जदि तरली जाए ताले पानी हे परिबो एवं से पानी को पुणी जदि आम थंडा करवा सी बरफ हो पार, माने बरफटा तो पूर्व स्टेज को फेरी पारा। तो यहाँ हूँ आमर भौतिक परिवर्तन। किंतु रासायनिक परिवर्तन कौन? रासायनिक परिवर्तन घटिला पर गोटे पदार्थ तो पूर्व अवस्था को फेरी पार ना। मनकर गोटे काठटा जलिला, पाउस है तो पाउस तो पुणी थे काठ हो पारानी ना। तो यहाँ हूँ रासायनिक प्रतिक्रियार उदाहरण। तो रासायनिक प्रतिक्रिया को आउ जदि टिके डिटेल्स रे बुझबा, आम जानी प्रत्येक पदार्थ कणिका को नहीं गठित, जोटा कि आम कहती अणु। प्रत्येक मौलिकर क्षुद्रतम कणिका को अणु बोली कहुए। तो अणु गोटे पदार्थर रासायनिक परिवर्तन घटुची माने तार अणु मानकर आंत परिवर्तन घटुची, माने रासायनिक परिवर्तन पूर्वरु जहा हैला अणु रासायनिक परिवर्तन पूर्वरु गोटे पदार्थर मौलिककर अणु मानकर गठन जेमती थिला सेटा रासायनिक परिवर्तन पर सेमिति हेकि रहइबो नाही। आ गोटे कथा मते जानचंती आमे अन्य भाषा देखा गले रासायनिक परिवर्तन माने कोन, दुईटी पदार्थ मिसी, दुई बा तत्वधिक पदार्थ मिसी जेतबले दुई बा तत्वधिक किंबा गोटे उपादान हमको दियंती तबे हम सेटे रासायनिक परिवर्तन होइछ बोली कहबा। सपोज मो एग्जांपल नली ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी। एठी ए आ बी मिसिके सी आ डी देइछंती। एठी ए आ बी मौलिक किंबा यौगिकर अणु मानकर आंतगठनिक जेमती थिबो, सी आउ डी रो मौलिकर अंतगठन सेमती नथिबो। जेते एठी गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया हेची तो एठी परिवर्तन हो जाइथिबो। आउ एपटे ए आउ बी को प्रतिकारक कहंती, सी आउ डी को उत्पाद कहंती। एबे आसंत देखिबा हम डे टू डे लाइफ रे रासायनिक प्रतिक्रिया कोठी कोठी होची। तो आमे तले खरा दिने खीर को साधारण तापमात्रा रखतबा तो खीर कोन होय, छिंडी जाय। खीर छिंडी गले पूणी खीर होय परिबो नाही। तो यहाँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रियार उदाहरण गला। तापर कौन कही लुहा तावा कड़े कंटा जदि आद्रवायु पड़िकी रुहे, आमर लुहा गेट भी देखी थे आपण मैंने बाहर जोटा लगी किसी दिन पर कौन हुए ताधर कलंकी लगी जाए। फास्ट जिते थी से पूरा नुआ से चकचक कर, किंतु किसी दिन पुराणा होगा पर से कलंकी लगी जाए। तो से गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया हुए। अंगूर रहीकि जदि पची जाऊँगी ताले अंगूर पुणी तार फास्ट स्टेज को फेरी आसपार ना। ताले एठी भी आमर कौन होची, रासायनिक प्रतिक्रिया होची। खाद्य रंधा है बेले आम जो खाद्य रांधुंती चाउल पकईकि भात होची तो भातटा पुणी थे चाउल हो पारबनी, आम खाद्य हजम हवा। आम खाइला बेले आम जहाँ खाऊँ खाद्य हजम होगा खाइबाटा तो सही अवस्था रहनी ना कि पूर्व अवस्था को फेरी भी पारबनी। आम जो श्वासक्रिया नौकरी आम श्वासक्रियार अक्सीजेन नौ, किंतु जिते आम छाड़ुं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छाड़ुं। तो आम जो अक्सीजेनटा नहीं तो सहीटा अक्सीजेन आ रिटर्न भी करपारे। तो से सब हूँ आम डे टू डे लाइफ रे घटुवा केत गोटे रासायनिक प्रतिक्रियार उदाहरण। मुझे जिते भी एग्जाम्पल कहली से सब एग्जाम्पल समस्त घटना जहाँ सब घटना घटी से पदार्थर प्रकृति और निजस्वतार किसी परिवर्तन घटी। आम पूर्व श्रेणी में वस्तुर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय पढ़ीचु। रासायनिक परिवर्तन जोटी हम से आम कहवा कि नाई रासायनिक प्रतिक्रिया होली। तेबे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन आसंत देखा। ये गोटे उदाहरण देती एटी देखो से गोटे 2 सेंटीमीटर लंबर एक मैग्नेशियम पतला पात को बाली कागज घसिक सफा करदे। बाली कागज घसिक सफा करदे कौन हम तादर जी जहाँ कलंकी लगी कि धूलीमूली होती तो सहीटा सफा हो। तो सी कही कि देखो मैग्नेशियम पात को लेकिन चित्र जमी देखी से भाया कौन करना गोटे पटे चिमुटा धरिकी चिमुटार गोटे पटे चिमुटा धरिकी गरम करेंगे। तो गरम कर सारा पर कौन हम तो एक धला चूर्ण सृष्टि हे जोटा कि से एक व्वाच ग्लास रे नहीं कलेक्ट कर। देखु व्वाच ग्लास रे नहीं कलेक्ट कर तो सी कही कि जिते ये आप जल्बे से मुँह ठार दूर रखिए कहीं से मैग्नेशियम पात को जल्ला बेले कि गोटे गैस रिलीज हे जोटा कि आम आखिपाई क्षतिकारक से मैग्नेशियम फिता को जल्ला बेले से यथासंभव आखिठार दूर रखा उचित। तापर कौन कहला वायुरे मैग्नेशियम पात प्रज्वलन और व्वाच ग्लास मैग्नेशियम ऑक्साइड संग्रह से जो मैग्नेशियम फिताटा को सी नहीं कि कौन कर बर्नर साहाय्य जल् जल सारापर जो चूर्णटा को बाहरी नहीं जो चूर्ण बाहरी से नहीं गोटे व्वाच ग्लास कनेक्ट कर व्वाच ग्लास कलेक्ट कर तो ये देखु कौन है कौन कहे ये देखु मैग्नेशियम पातटी अति उज्ज्वल धला शिखा सहित जलुची और ताहा धला चूर्ण में परिणत हो जाऊँगी। धला चूर्णटी हूँ मैग्नेशियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चनटा सब एग्जाम आसे जदि पढ़व एग्जाम कि मैग्नेशियम पातटी वायुरे जलिले डैश सृष्टि होता है तो आप तार आंसर कौन लिखे मैग्नेशियम ऑक्साइड MgO तो सहीटा को एपरी लिखती Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO यटा ही हूँ मैग्नेशियम ऑक्साइड धला चूर्ण। ये देखो तुम्हें कम 1.3 तुम्हें कम 1.3 कौन कर लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड किंबा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड किंबा सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते HCl सल्फ्यूरिक एसिड ना हूँ H2SO4 आउ से मिसे लघु सल्फ्यूरिक एसिड नहीं से मिसेज किसी जिंक दाना को कहती जेडेन तो कौन है जिंक दाना मिसेला परे देखो तो कौन कही जिंक उपर लघु सल्फ्यूरिक एसिड प्रतिक्रिया हेतु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती तो सी कहला जदि जिंक दाना को लेकिन आम कि एसिड मिसेवा लघु सल्फ्यूरिक एसिड हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तो से गोटे गैस निर्गमन हम जोटा हो हाइड्रोजन गैस H2 गैस। जदि क्वेश्चन आसला जिंक उपर लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिक्रिया हेतु डैश गैस उत्पन्न हुए तो आंसर कौन हम हाइड्रोजन। एसिड को सावधान हो व्यवहार कर कहीं एसिड आमको क्षति पहुँचे देपे आ से कही लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान कौन डाइल्यूट जो थे कि पानी मिसी आ जोटा कनसेंट्रेटेड माने गुरु हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाया कि गुरु एसिड भाया क्षतिकारक नुहे एसिड पड़े के क्षतिकर से जानी अच्छा सी कही जिंक जो आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकेवा से जिंक दाना चारिपटे कौन हो देख से हाइड्रोजन गैसटा बाहर कोनिकल फ्लास्क को किंबा परीक्षा नल को स्पर्श कर तो देखिए से तापमात्रा बढ़ी जाइए जो कि कोनिकल फ्लास्कटा गरम लगुव ये कौन कही तुम्हें कम जो परिवर्तन है ता रासायनिक प्रतिक्रिया घटी कि ना जनईदेव तेल रासायनिक प्रतिक्रिया होना ना आम केमती जाना तो जिते रासायनिक प्रतिक्रिया घटे से कौन हुए अवस्था परिवर्तन हुए जमीती कि कठिन अवस्था थी कठिन अवस्था रही तरल अवस्था कि गैसी अवस्था अवस्था परिवर्तन हम कलर चेंज हम रंग जहाँ थी सहीटा रही गैस निर्गमन हम जमीक आम प्रिवियस रिएक्शन देखिले कि एसिड सहित जिंक दानार रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस बाहर टेम्परेचर चेंजेस हो प्रिवियस रिएक्शन टेम्परेचर चेंजेस हो टेम्परेचर बढ़ी जो कि कोनिकल फ्लास्कटा हमको पूरा टोटाल गरम लगे। एबे आम पढ़ले रासायनिक प्रतिक्रिया कौन तार दुईटी उदाहरण पढ़ले तेज ये आसी देखा रासायनिक समीकरण कौन से कहला एक मैग्नेशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थित जालिले ता मैग्नेशियम ऑक्साइड परिणत हुए वाक्य रूप से रासायनिक प्रतिक्रिया एपरी वर्णन अति लंबा होचे जदि आम मैग्नेशियम और ऑक्सीजन संगे रिएक्शन कहवा तेज आमको एपट पूरा सबुदिक कह तेज आमको कहवाक पड़ो जे एक मैग्नेशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थित जालिले ताहा मैग्नेशियम ऑक्साइड परिणत हुए जोटा कि बहुत लेंथी हो तो ताको क्षुद्र और संक्षिप्त रूप से लिखा जाय परबो केमिति तो सहज उपाय देखंतु सीधा सेंटेंस न लिखि सीधा लिखला से मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन माने मैग्नेशियम जतोल ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळुची आमको कौन दउची मैग्नेशियम ऑक्साइड तो यहाँ को कह जाए शब्द समीकरण। मैग्नेशियम ऑक्सीजन रासायनिक परिवर्तन घटी सेगुड़िक होती प्रतिकारक तो आम रिएक्शन जो मैंने बाम पटे रही आमको प्रतिकारक कह जाए तो यही रिएक्शन आम प्रतिकारक है किए मैग्नेशियम आउ ऑक्सीजन कौन दे रिएक्शन पर मैग्नेशियम ऑक्साइड जोटा को आम कहते उत्पाद। तो ये दुईटी प्रतिकारक मिसी आमर गोटे उत्पाद सृष्टि कर। ये देखो कौन कहे शब्द समीकरण प्रतिकारक गुड़ाक सबुबले बाम पटे उत्पाद सबुबले दक्षिण पार्श्व रहा। प्रतिकारक उत्पाद मध्य एक तीर चिन्ह दिजाव तीरोटी बामरू डाहाण को थाए यह रासायनिक प्रतिक्रियार दिग निर्देश कै। देखो ये रिएक्शन में आम आरो मार्कटा रही बामरू डाहाण को जोटा इंडिकेट करुच्ची कि आम रिएक्शन टा फरवर्ड डायरेक्शन में चली। आने कौन माने मैग्नेशियम ऑक्सीजन जब मिसिले ताहले हमको मैग्नेशियम ऑक्साइड दौरान माने मैग्नेशियम ऑक्सीजन मिसिले मैग्नेशियम ऑक्साइड दौरान आ माने मैग्नेशियम ऑक्साइड दिगरे ही आम रिएक्शनटा होदि। आमर यही रिएक्शन ने डाहाणरू बाम को आ गोटे आरो मार्क दे था तो आपण जानी था कि रिएक्शनटा बैकवर्ड डायरेक्शन होने कौन जदि आम मैग्नेशियम ऑक्साइड नवा से आम ऑक्सीजन आ मैग्नेशियम पाइपर किंतु एठी जेहेतु सिंगल आरो देछि सिंगल आरो आमको इंडिकेट करुछि जे जदि मैग्नेशियम आ ऑक्सीजन मिसिबे ताहले आम मैग्नेशियम ऑक्साइड पाइबा किंतु मैग्नेशियम ऑक्साइड भांगी कि ऑक्सीजन आ मैग्नेशियम देव एक कथा दर्शाऊ नाही काहेकि आम रिएक्शनटा गोटे आड़ को देखे आ माने आम एई आड़ को रिएक्शनटा फॉरवर्ड होइछि। एटी देखो रासायनिक प्रतिक्रिया एकाधिक प्रतिकारक जदि थी कि एकाधिक उत्पाद थी तो से मध्य प्लस चिन्ह दिया हुए। ये रिएक्शन देखूँ जेहेतु आम प्रतिकारक पार्श्वर दुईट जिनस अच्छी भर ये प्लस साइन दि जाए सेमती उत्पाद पार्श्वर में ये केवल मैग्नेशियम ऑक्साइड बाहर कितु जब आउ को रिएक्शन में मन कर ये ए प्लस बी प्लस सी तीन टा जिनस बाहर तो भितर प्लस साइन रहा। प्रतिकारक पार्श्वर जमी एक रु अधिक रही प्लस साइन रोचे उत्पाद पार्श्वर सेमती एक रु अधिक रही प्लस साइन रबे। आम पढ़ले गोटे रासायनिक समीकरण को वाक्य लिखा अपेक्षा जदि आम शब्द समीकरण मध्यम लिखुं अधिक संक्षिप्त हो पारे ताल देखिए शब्द समीकरण को कौन आहरी संक्षिप्त करहब कि। तो से लिखला आम जदि शब्द बदल में प्रतिकारक उत्पाद रासायनिक संकेत व्यवहार कर समीकरण को लिखुंट समीकरण टी आहरी अधिक तथ्यपूर्ण और व्यवहार योग्य हो पार। तेणु एक रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकाश कराए। ये गोटे एक्जाम्पल देला वायु उपस्थित मैग्नेशियम पातर प्रज्वलन प्रक्रिया को मन पकाओ एवं जोटा पढ़ले कि मैग्नेशियम ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करी आमको मैग्नेशियम ऑक्साइड दे थाए। तो सहीटा को आम शब्द समीकरण लिखिते तो ये देखूँ आम जदि लिखा तार प्रतीक यूज करके मैग्नेशियम को कौन कहते एम जी हूँ मैग्नेशियम प्रतीक O2 ऑक्सीजन गिव्स राइज टू MgO। तो शब्द समीकरण ठारू संकेत जो आम व्यवहार करके लिखिले तो यह आहरी अधिक सरल हो गला। तेणु सबुबले रासायनिक प्रतिक्रिया को शब्द समीकरण मध्यम न लिखि एमती प्रतिकार और संकेत व्यवहार कर लिखा जाए जोटा फल कि आमको यहाँ आहरी सहज हो जाए। ये रिएक्शन देखूँ बाम पटे अच्छी Mg आउ O2 डाण पटे अच्छी MgO। बाम पटे Mg रे देखूँ गोटे Mg अच्छे कहीं पूर्व किसी लिखाई किसी लिखाई माने वन अच्छी आउ Mg रो संख्या हूँ के वन माने परमाणु संख्या वन अच्छे एपटे देखो सेमती MgO रे Mg परमाणु वन एपटे देखु ऑक्सीजन ने प्रतिकारक पार्श्वर O2 लिखाई माने ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2 किंतु एपटे देखूँ ऑक्सीजन पूर्व किसी लिखाई तेणु उत्पाद पार्श्वर ऑक्सीजन संख्या 1। ये देखिले मैग्नेशियम गोटे ऑक्सीजन प्रतिकार पार्श्वर 2टा ऑक्सीजन प्रतिकार उत्पाद पार्श्वर गोटे अच्छे आ माने आमर यही रासायनिक प्रतिक्रिया को असमतुल कहुए कारण यह समतुल होना माने कौन यही मौलिक यार परमाणु संख्या समान नहीं प्रतिकारक पार्श्वर जमी उत्पाद पार्श्वर सेमती ना कहीं आमर ऑक्सीजन ये अच्छी 2टा एपट ऑक्सीजन अच्छी गोटे। एठी जेहेतु आमर समीकरण टी असमतुल होगी तो यार उभय पार्श्वर वस्तुत्व सामान नहीं तो वस्तुत्व जेहेतु सामान नहीं किंतु यह प्रतिकारक उत्पादर सूचना दौर ये देखो हाँ प्रतिकारक अच्छी सहीटा मिसी किसी उत्पाद देखा से आगे कहुए सूचकीय रासायनिक समीकरण। तेज यहाँ हूँ वायुरे मैग्नेशियम पित्ता प्रचलन एक सूचकीय रासायनिक समीकरण जोड़ा कि असमतुल होइकि अछि समतुल होइकि नाही। तो एबे आमर प्रश्न आछि जदि गोटे रासायनिक समीकरण आसुछि तेबे कोन याकु समतुल करबा निहाती दरकार, जदि दरकार ताले काहेकि आ जदि दरकार तेबे हम केमिति गोटे रासायनिक समीकरण को समतुल करबा माने प्रतिकारक पार्श्व रे जेतिकिटी थिबे उत्पाद पार्श्व रे मध्ये सेतिकि थिबो परमाणु संख्या। एग्जांपल ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी जदि हुए एपटे जदि गोटे मौलिकर परमाणु संख्या जेतिकि अछि उत्पाद पार्श्व रे मध्ये सेतिकि हबो। तो हमें केमिति समतुल करबा गोटे रासायनिक समीकरण को बाम पार्श्व रे जेतिकि थिबो डाण पार्श्व रे सेमिति, तेणु गोटे रासायनिक समीकरण को केमिति समतुल आम करवा एटा आम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा। आज पई एतिकि थाओ। आशा करुछि आपण मानको भिडियोटी भल लागिबो। जदि आपनको भिडियोटी भल लागिबो तबे लाइक करिवे, सांग मानको भितर भिडियोटी को शेयर कर देबे आ हम चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा रासायनिक समीकरण को किपरि समतुल करा जाय। स्टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू।